In the name of God, the Lord of grace, the ever merciful who taught man by pain, and his blessing and praise be upon Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, who is the greatest teacher of this universe. You all are welcome here in this beautiful platform of Lingua Franca English Language Academy. So we were discussing second year English lesson number one, the prose written by Sir James Jeans, and we have almost done the first part of our lesson, and today we will start the second part inshallah. So aiye yahan se shuru karte hain with translation. Although we cannot speak with uncertainty, agarche hum kisi yakeen ke saath nahi keh sakte, it seems most likely that the human race came into existence in some such way ke nasle insani jo hai wo kuch is tarike se wajood mein aayi hai, as this, yani kuch is tarike se nasle insani jo hai wajood mein aayi hai. To mukhtasar ye ke is sabak ke andar hum दुनिया के वजूद में आने की, सैयारों के वजूद में आने की, जैसे प्लैनेटरी सिस्टम कैसे वजूद में आए और फिर यहाँ पे ज़िंदगी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं. और सर जेम्स जीन्स के बारे में मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था कि ही इज़ एन एस्ट्रोनॉमर, मतलब एक एस्ट्रोनॉमर है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट एज वेल. तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत उसने आर्टिस्टिक एक प्रोज लिखी है, और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे हैं, दोज आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बट सम इंफॉर्मेशन दे हैव बीन गिवन हियर, दे आर समहाउ हाइपोथेटिक. स्टैंडिंग ऑन अवर स्टैंडिंग On our little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe, which surrounds our home and space in our home and space and time. अच्छा, यानी अपने रेत के छोटे जरे पर खड़े होकर हम कुदरत को दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ कायनात के मकसद को, जिसने हमें जमानो मकान में, यानी जिसने हमारे जमीन को या जिसने हमारे घर को जमानो मकान में घेरा हुआ है. आवर फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग लाइक फियर, हमारा पहला जो एहसास है वो फियर सी कोई चीज़ है, यानी खौफ सी कोई चीज़ है. वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें कायनात डरावनी लगती है, बिकॉज ऑफ इट इज इमेंस डिस्टेंसेस, क्यों अपने यानी अजीम वसातों की वजह से, अपने तवील फासिलों की वजह से, विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जो हम समझ नहीं, हम जो हमें समझ नहीं आती है, यानी हमें कायनात डरावनी लगती है अपने अजीम फासिलों की वजह से, जो हमें समझ नहीं आती है. फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेज ऑफ टाइम सो ग्रेट दैट वी कैन नॉट इमेजिन देम, ये कायनात हमें डरावनी लगती है अपने, यानी जो ज़मान है इसके लंबाई की वजह से, यानी एक तवील मुद्दत की जो ज़मान का इसका दौरानिया है, इसकी वजह से जो हम तसव्वुर में नहीं ला सकते हैं. मेकिंग द होल ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी वेल, सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, यानी इसके यूनिवर्स के, यानी कायनात के ज़मान के साथ अगर इंसानी तारीख का मुवाजना किया जाए तो इंसानी तारीख हमें बहुत हकीर लगती है. फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ अवर एक्सट्रीम लोनलीनेस, ये कायनात हमें इसलिए डरावनी लगती है क्योंकि वी आर एक्सट्रीमली लोनली, यानी हम मुकम्मल तौर पर तन्हा है, ठीक है, यानी अपनी शदीद तन्हाई की वजह से ये कायनात हमें डरावनी लगती है. And because of the littleness of our home in space, और खला में अपने घर के छोटापन की वजह से, या खला में अपने ज़मीन की छोटापन की वजह से ये कायनात हमें डरावनी लगती है.
a millionth part of grain of sand out of all the sea sand in the world. यानी ये जो समंदर समंदर के दुनिया के तमाम समंदरों के साहिलों पर जितने भी रेत के जर्रात हैं, उन रेत के जर्रात में से सिर्फ एक जर्रे का 10,00,000वां हिस्सा है, यानी इतना छोटा है हमारी कायनात। दुनिया के सारे समंदरी रेत के जर्रात को सोचें, उनमें से एक जर्रा उठाएं और उस जर्रे को अगर हम 10,00,000 हिस्सों में तकसीम करें तो कहता है कि उसके 10,00,000 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो अगर स्पेस के साथ हम कंपेरिजन करें तो वो इतना छोटा है स्पेस के मुकाबले में। अच्छा, बट अबव ऑल एल्स, इन सारी चीजों से हमें खौफ आती है, यानी कायनात इन सारी चीजों की वजह से हमें डरावनी लगती है, लेकिन अबव ऑल एल्स, इन सबसे बढ़कर, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। कायनात हमें इसलिए डरावनी लगती है बिकॉज वी कैनॉट फाइंड एनी साइन दैट लाइफ लाइक अवर ओन एग्जिस्ट्स एनीवेयर इन इट एक्सेप्ट ऑन द अर्थ। यानी कायनात इन सबसे बढ़कर कायनात हमें इसीलिए डरावनी लगती है क्योंकि जिस जिंदगी के वजूद को हमने जमीन में देखा है, यानी जो जिंदगी जमीन के ऊपर है, यानी जमीन के अलावा कहीं और हमारे मतलब हमें जिंदगी की कोई इलामात जो है वो नहीं मिलती है, ठीक है। यानी इन सबसे बढ़कर कायनात हमें इसीलिए डरावनी लगती है क्योंकि जमीन के अलावा हमें कहीं भी कोई दूसरी जिंदगी की इलामत नहीं मिलती है। इंडीड, यकीनन, फॉर द मोस्ट पार्ट, ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी स्पेस, खाली खला का, यानी खाली खला जो है उसका ज्यादातर हिस्सा यकीनी तौर पर इज सो कोल्ड दैट ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोजन, वो इतना सर्द है कि वहां पे सारी जिंदगी मुंजमित हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज सो हॉट एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल, और खला में ज्यादातर जो मादा है वो इतना गर्म है कि वहां पे जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स विच प्रोड्यूस्ड अवर प्लेनेटरी सिस्टम। यानी जिंदगी जो है कायनात के जो कायनात का जो मंसूबा है, यानी कायनात के मंसूबे में लगता है कि जिंदगी कोई अहम उनसर नहीं है जिसने हमारे यानी प्लेनेटरी सिस्टम यानी सैयारों के निज़ाम को, यानी हमारे सैयारों का निज़ाम जो है वो जिसकी वजह से वजूद में आया है। कैलकुलेशन शोस आदादोशुमार जो है वो जाहिर आदादोशुमार का तहमीना जाहिर करता है दैट देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम इन स्पेस, के खला में ऐसे निज़ाम बहुत ही कम हो सकते हैं। येट यानी फिर, so far as we can see, यानी फिर भी जहाँ तक हम जानते हैं, life of the kind we know on earth can exist only on planets like the earth, यानी जिंदगी की वो किस्म जिसे हम जमीन पर जानते हैं मतलब सिर्फ ऐसे जगहों पर मुमकिन, अब ऐसे सैयारों पर मुमकिन हो सकती है जो जमीन की तरह है। इट नीड्स suitable फिजिकल conditions, उनके लिए मौजून तबी शराइत या मौजून तबी हालात की ज़रूरत होती है फॉर इट्स अपीयरेंस, अपनी ज़हूर के लिए, यानी ज़िंदगी जो है इसको अपनी ज़हूर के लिए मुनासिब जो तबी हालात है या मुनासिब तबी शराइत जो है उनकी ज़रूरत होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज़ टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, यानी इन तबी जो शराइत है, तिब्बी जो हालात है, उनमें सबसे अहम क्या है, वो दर्ज हरारत है जिसके ऊपर मादे जो है वो यानी लिक्विड में यानी सियाल मादों की हालत में वो रह सकते हैं। द स्टार्स देमसेल्व्स आर फार टू हॉट फॉर दिस, यानी सितारे जो हैं खुद जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ही ज्यादा गर्म है। We may think of them as collection of fires scattered through space. हम उनको खला में आग के यानी
खला में फैले हुए आग के गोलों से ताबीर कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग वार्मथ इन दिस इन सराउंडिंग्स वेयर द टेम्परेचर इज एट मोस्ट सम 4 डिग्री अबव एब्सोल्यूट जीरो। जो अपने आसपास जो है या जो अपने इर्द गिर्द दर्जा हरारत जो है वो फराहम करते हैं, यानी वहाँ पे दर्जा हरारत जो है वो मुमकिन हद तक सबसे कम दर्जा हरारत से तकरीबन सिर्फ 4 दर्जे ऊपर है। अबाउट 484 degrees ऑफ फ्रोस्ट ऑन द फारेनहाइट स्केल, यानी फारेनहाइट का जो पैमाना है उसके मुताबिक नुक्ते अंजमात से तकरीबन 484 degree नीचे, यानी 484 दर्जे नीचे। इन द इमेंस स्ट्रेचेज ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे, कहकशान से दूर खला में अजीम जो वसाते हैं, इट इज कोल्डर स्टिल, वहाँ पे इससे भी ज्यादा सर्द है। ठीक है, यानी कहकशान में कहकशान से दूर यानी खला में फैले हुए अजीम वसतें जो हैं वहाँ पे सर्दी जो है वो इससे भी ज्यादा है। अवे फ्रॉम द फायर्स देयर इज एन अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, यानी ये जो आग के गोले हैं उनसे दूर यानी नुक्ते अंजमात से 100 दर्जे सैकड़ों दर्जे नीचे की नाकाबिले तसव्वुर सर्दी होती है। क्लोज अप टू देम यानी इनके करीब, देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज, यानी इसमें क्या होती है इनके करीब अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पे दर्जे हरारत जो है वो हजारों दर्जे ऊपर चली जाती है। एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट एंड ऑल लिक्विड्स बॉयल, वहाँ पे सारे जितने भी यानी सॉलिड्स हैं, सारे जितने भी ठोस चीज़ें हैं वो यानी पिघल जाते हैं, ऑल लिक्विड्स बॉयल, और सारे जो सियाल मादे हैं वो उबल जाते हैं। Life can exist only in narrow belt surrounding each of these fires at a certain distance where the temperature is neither too hot nor too cold. जिंदगी जो है सिर्फ एक ऐसे बारीक पट्टी पर मुमकिन है, यानी सिर्फ एक ऐसी बारीक पट्टी पर मुमकिन है surrounding each of these fires, जो इन आग के गोलों के अर्द गर्द जो हैं वो फैले हुए हैं at a certain distance, एक खास फासिले पर, where the temperature is neither too hot nor too cold, वहाँ पे दर्जा हरारत ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा सर्द है, यानी सिर्फ उन जगहों पर ये क्या है उन यानी बेल्ट्स पर, उन यानी जो बारीक पट्टी जो है उन पर जिंदगी मुमकिन है। अच्छा, outside these belts life would be frozen, इन बारीक पट्टियों के बाहर क्या होगा जिंदगी मुंजमित हो जाएगी, इनसाइड इट वुड बी बर्न्ड अप, और इसके अंदर जिंदगी राख हो जाएगी, जलकर राख हो जाएगी। अ रफ कैलकुलेशन शोज दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स, एक आम तखमीना जो है वो ये जाहिर करता है कि ऐसे मतलब दर्जा हरारत वाले जो पट्टियां हैं वो विद इन विच लाइफ इज पॉसिबल, जहाँ पे जिंदगी मुमकिन हो सकती है, all added together, उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए, make up less than 1,000 million part of the whole of space, यानी वो पूरी जो खला है उसके 10 खरबवें हिस्से के 1,000वें हिस्से से भी कम है, यानी पहले आप खला को 10 खरब हिस्सों में तकसीम करें, फिर उस 10 खरब हिस्सों में से एक हिस्से को उठाएं और उसको 1,000 हिस्सों में तकसीम करें, यानी उससे भी छोटा है हमारी जो जमीन है वो खला के मुकाबले में। एंड इवन इनसाइड देम, और यहाँ तक कि उन छोटी पट्टियों के अंदर, यानी हमारी जमीन को नहीं बता रहा, उस जमीन जैसे और भी अगर कोई सियारे हैं उन सबको इकट्ठा करके बता रहा है। ठीक है, तो कहता है कि एंड इवन इनसाइड देम, और यहाँ तक कि इनके अंदर भी, उन पट्टियों के अंदर भी, लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, वहां पे भी जिंदगी जो है बहुत ही नायाब होगी। फॉर इट्स एक्सट्रीम unusual for suns to throw off planets as our sun has done, जैसा कि सूरजों के लिए ये जो सैयारे फेंकना एक इंतहाई गैर मामूली क्या है वाकिया है, एक इंतहाई गैर मामूली काम है जैसे हमारे सूरज ने फेंका है
probably only one star in one lakh has a planet going around it at the right distance for life to be possible on it. शायद या गालिबन एक लाख सितारों में से सिर्फ एक, यानी एक लाख सितारों में से सिर्फ एक सैयारा जो है वो, यानी सही फासले पर जहाँ पे जिंदगी मुमकिन हो सकती है वहां पे गर्दिश कर रही है. Here our chapter ends. Inshallah, we will do exercise in the coming classes.